माशाल्लाह मौसम बहुत ठंडा है, इसके लिए आप भी ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। मैंने आपको सलाम किया, सलाम करना सुन्नत है, लेकिन उसका जवाब देना लाजिम है, जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह लोग जाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा ठंडी लग रही है, इस वजह से थोड़ा ठंडे हो गए हैं। आइए इंशाल्लाह हम सब मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते हैं, और ऐसे नहीं एकदम बैठकर बल्कि एक स्ट्रॉन्ग होकर पावर के साथ। माशाल्लाह अभी बहुत देर से आपने मलयाली में नाद भी पढ़ा, अरबी में कलाम भी सुने, कसीदे भी सुने। अभी माशाल्लाह हमारे सैयद ताहा साहब जो है उन्होंने आपको मुर्दा शरीफ पढ़ा, बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ा प्यारा अंदाज है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी आवाज में और मिठास पैदा करे और बरकतें अता करे। हमारे सारे उलमा, सकाफी उलमा, सादी उलमा, हमारे अब्दुल लतीफ उस्ताद भी यहाँ शिरकत रखते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में, घर में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए, आपको भी बरकतों से अल्लाह माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अल्लाह वाले की मजलिस में बैठे हैं, उनके उरूस की मजलिस में बैठे हैं, और माशाल्लाह सैयद साहब की जबान से कसीदा बुर्दा शरीफ, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले का कसीदा हम पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बड़ी बरकतें हासिल होगी। आप नियत करें दिल में, हर आदमी आज प्रॉब्लम में है, मुश्किलात में है, परेशानी में है। अल्लाह ताला हम सब की इन औलिया अल्लाह के सदके, इस बुर्दा मजलिस के सदके, मदह रसूल के सदके अल्लाह हम सब की मुश्किलात को हल फरमाए। और खास तौर से आज जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो मामला चल रहा है, अल्लाह ताला हम इन औलिया अल्लाह का सदका अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं इंशाल्लाह, कि हमें ये जो बिल आया है इससे हमें इंशाल्लाह निजात मिलेगी। और हमें उम्मीद है अल्लाह वाले हमारी मदद करेंगे, हम उनको याद करते हैं, वो हमारी जरूर हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। आइए थोड़ी देर हम सब मिलकर नाते पाक पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लोग का नात में एक थोड़ा सा आपको मोहब्बत करना है। वो क्या है? वो क्या है कि हम लोग कहते हैं सरकार की आमद, तो आपको कहना है, क्या कहना है, दोनों हाथों को बुलंद करके कहना है मरहबा। ये हम लोग उर्दू नात में आपको थोड़ा सा हमारे साथ मिलकर पढ़ना है इंशाल्लाह, और बड़ा मजा आएगा। ठंडी जो है ना, ये ठंडी, ये जो सर्द है, उधर ठंडी नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी ठंडा मौसम है, ये एक जंगली इलाका है, उस हिसाब से हम लोग के हिसाब से तो ठंडी लग रही है, लेकिन उस्ताद बोल रहे कूलर का ठंडी है। तो ऐसा इंशाल्लाह आप बहुत देर से बैठे हैं, अगर आप मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी इंशाल्लाह। आइए सबसे पहले सलात पढ़ते हैं नबी पर, बुलंद आवाज से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھوں جو درے پاکے پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم،
माशाल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। आइए हम सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं। सारे लोगों से गुजारिश है, ये जिक्र सबको याद है, हमको आपको बताने की जरूरत नहीं। ये कौन सा जिक्र है? ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इलाहा, थोड़ा सा और ला इलाहा, इधर वाले ला इलाहा। जिक्र अमन है, जिक्र है फता, जिक्र शिफा है, जिक्र है दवा, नजात मिलती है इससे यकीनन करे जो कल्ब से जिक्रुल्लाह। जिक्र से बढ़ के नहीं है अमल कोई है, फरमान रसूल अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी कल्बी मोहम्मद सल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी पूछ गिल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बदलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी पूछ गिल गया आका से उसने ये कहा, कर हो नबी बदलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़े हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा इलाहा इल्लल्लाह। हस्बे रब्बे जल्लल्लाह माफे कल्बे खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अपना इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो पता क्या पढ़ती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो पता क्या पढ़ती थी, मेरे
आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी पहले जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का कोल उठा इलाका इल्लल्लाह बड़े हंस बे रोबे इल्लल्लाह माफे पलबे नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अपना इलाका इल्लल्लाह जो बिलाले हबशी है सरवर्दी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है वो जो बिलाले हबशी है सरवर्दी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर फिर भी ज़बां पर जारी था इलाहा इल्लल्लाह बड़े हस्बे रब्बे जल्लल्लाह माफे कल्बे बड़ा है शान बड़ी चाहे गौसे आजम वो या हो ख्वाजा अजमेरी अपने नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान बड़ी चाहे गौसे आजम वो या हो ख्वाजा अजमेरी याद नहीं तुम्हें वो मंजर ख्वाजा ने जब खुद चल कर नब्बे लाख को पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बे रब्बे जल्लल्लाह माफे कल्बे खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अपना इलाहा ബാക്കി അവിടെ അവിടെ മുംബൈ ഭാഗത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള നാഗത്ത് പാടുമ്പോട്ട് സദസ്സും കൂടിയിട്ട് ജവാബ് ചെന്നിട്ട് കയ്യല്ലോ എത്തനാട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നു समझ गए सरकार की आमद आमद हाँ अभी लगा कि ये आशिक रसूल है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कबूल कर ले इंशाल्लाह सरकार की आमद आमद थोड़ा सा आवाज भी निकालो आप लोग खाना खाए ना
मैं नहीं खाया। आप सोचेंगे ये हजरत आए हैं खाना खा के पेट भर के आए हैं और फिर हमको खाली पेट इधर बिठा के, ऐसा नहीं है भाई। हमारा सैयद साहब भी खाना नहीं खाना, वो भी सीधा यहाँ से स्टेज पे आए नमाज पढ़ के दुआ करके। तो ये तो हमारे नबी की सुन्नत है, भूखा रहना ऐसे रहना, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नबी की मदह की महफिल है, इसमें पावर के साथ बैठना। हम सुन्नी लोग हैं, ईमान वाले, हम लोग कभी ठंडे नहीं होते, बल्कि जो ठंडा होता है उसको गर्म कर देते हैं। सही है ना? सरकार की आमद। थोड़ा सा और आवाज नहीं आ रहा आपका। सरकार की आमद। अच्छा इधर वाले लगता है खाना खा के आए क्या? आपका आवाज ज्यादा आ रहा है। इधर वाले थोड़ा ठंडे हैं, तो दोनों तरफ कूलर लगा है, एक तरफ नहीं लगा। कूलर दोनों तरफ लगा है, इधर से भी ठंडी हवा आ रही है, इधर से भी ठंडी हवा आ रही है, हम लोग को आ रही है। ठंडे हमको होना चाहिए, आप ठंडे हो गए। सरकार की आमद। सरकार की आमद। माशाल्लाह, ऐसे पढ़ना है इंशाल्लाह आपको मेरे साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, क्या नाम है? या रसूल अल्लाह। उस पर भी हमें अपने हैंड को उठाना है, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को शर्माने का नहीं, ये कोई सियासी लीडर का महफिल नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल का महफिल है। और ये महफिल अल्लाह को पसंद है, नबी को रिस्पेक्ट के लिए हमें हैंड उठाना है। करते ना, लीडर आता है तो जिंदाबाद जिंदाबाद, तो जिंदाबाद हुआ, रो गया, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं। 5 साल बाद फिर दिखता है वो, फिर वापस आके बोलता है जिंदाबाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी से प्यार करने वाले, नबी की मदद करने वाले हैं, तो नबी हमें दुनिया में भी मदद करते हैं, कब्र में भी मदद करेंगे इंशाल्लाह, और कल कयामत में भी मदद करेंगे। या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को बुलाना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा, या रसूल अल्लाह। पुकारो रसूल अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मनधार की आमद, सब मिलकर बोलो, दीवानों झूम के बोलो, मस्तानों झूम के बोलो। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा, या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे की गावा, या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा, या रसूल अल्लाह। सुना गए आप हर आशिक, सुना गए आप हर आशिक, के घर तशरीफ लाते हैं। सुना गए आप हर आशिक, के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा, या रसूल अल्लाह। पुकारो पुकारो रसूल अल्लाह। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है भाई? जो दीवाना होता है ना, वो यहाँ वहाँ नहीं देखता, बल्कि उनकी निगाहें गुंबदे खजरा पे होती है। कोई हंसेगा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नबी को पसंद है कोई हंसता है, मुश्किल नहीं। अभी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अभी आप नहीं करते, हैंड नहीं उठा रहे, मरहबा नहीं बोल रहे, लेकिन अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलेगा 5 मिनट तक 3 टाइम हाथ ऊपर करके रखने का, सब करेगा
करेंगे सब करेंगे सब करेंगे बूढ़ा भी करेगा बच्चा भी करेगा जवान भी करेगा क्यों करेगा भाई क्या डॉक्टर बोला बोला 5 मिनट हैंड ऊपर करेंगे तो बीमारी में शिफा होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर रिस्पेक्ट के लिए हाथ ऊपर करेंगे शिफा नहीं होगी नहीं होगी मुश्किल हल नहीं होगी मिलकर पढ़े सरकार की आमद वो दिलदार की आमद वो सब मिलकर बोलो और झूम के बोलो सब झूम के बोलो हाथ उठाकर बोलो लगरा कर बोलो आका की आमद दाता की आमद सब मिलकर बोलो दीवानों झूम के बोलो मस्तानों झूम के बोलो तेरा उम्मीदात मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे के निगावा या रसूल अल्लाह तेरा उम्मीदात मैं क्यों ना मनावा तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद पनहार की आमद लक्ष्मण की आमद सब मिलकर बोलो दीवानों झूम के या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह मैं कुछ भी नहीं जो तेरे नाम मेरी कोई निस्बत नहीं मैं सब कुछ हाँ जो मैं तुम पर फिदावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह पुकारो रसूल अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद बनकार की आमद लक्ष्मण की आमद मुख्तार की आमद सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो और झूम के बोलो लब झूम के बोलो सब मिलकर बोलो तेरा उम्मीदात मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा उम्मीदात मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दीवानों बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरा तिरुवनंतपुरम में प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से
केरला में, बहुत जगह, कर्नाटक में बहुत जगह प्रोग्राम होता है। तिरुवनंतपुरम में हमारा प्रोग्राम था, वहाँ ऐसे आशिक थे, मैं आपको क्या बताऊँ, सादिक अली फाजली उस्ताद जो है वहाँ पर बुर्दा के लिए आए थे, उन्होंने उनको कहा कि ये हमारा उर्दू नात पढ़ने वाला फखरे आलम भाई आपसे गुजारिश करता है कि जब नबी का नाम आए या रसूल अल्लाह तो अपने हाथों को बुलंद करो, हैंड को ऊपर करो, आप यकीन मानो। शाकिर भाई शुरू किया उन्होंने, नात मैंने शुरू किया, तो वो लोगों ने आखिरी नात तक हाथ को नीचे नहीं किया। ये इश्क था उनका, ये मोहब्बत थी नबी से। ये तो बहुत छोटी बात है कि नबी के लिए हम हाथ उठा रहे हैं, अगर एक पर भी नबी की नजरे करम हो गई, हम सब की दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दीवानों बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलबर की आमद, सरवर की आमद, आमीन की आमद, यासीन की आमद, कहाँ की आमद, तैयब की आमद, ताहिर की आमद, शाहिद की आमद। सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, हाथ उठाकर बोलो, लहरा कर बोलो, आका की आमद, दाता की आमद। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है, हजारों गम भुलाने को नबी का नाम काफी है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दीवानों बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दीवानों बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये पूछा प्यारे आका ने कहां सीधी के अकबर ने, ये पूछा प्यारे आका ने कहां सीधी के अकबर ने, मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफी है। या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलबर की आमद, सरवर की आमद, यासीन की आमद, दहा की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद। सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, और वहां के बोलो, हाथ उठाकर बोलो, पीछे वाले बोले, आगे वाले बोले, सब मिलकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दीवानों बोलो या। हबीब अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलबर की आमद, सरवर की आमद, आमीन की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, तैयब की आमद, ताहिर की आमद, शाहिद की आमद। सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो, और प्यार से बोलो, लब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह।
رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوانو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 نبی کا نام ملنے سے میرا بھی نام ہوتا ہے نبی کی مد ادے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے یا رسول اللہ یا شیر پڑھنے جا رہا ہوں اس کے آخری میں یہاں سے لے کے پیچھے تک آگے سے لے کے بیک تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کا ہاتھ اٹھنا چاہیے یا رسول اللہ انشاءاللہ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہزاروں تیر لگتے ہیں مجاہد کے کلیجے میں ہزاروں تیر لگتے ہیں وہابی کے کلیجے میں کوئی سنی مسلمان جب پکارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوانوں بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلبر کی آمد سرور کی آمد آمین کی آمد یاسین کی آمد طہٰ کی آمد طیب کی آمد سب مل کر بولو اور اونچا بولو اور پیار سے بولو جھوم کے بولو سب جھوم کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو آقا کی آمد دادا کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوانوں بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول 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 اللہ نبھا لو تم نبھا لو تم نبھا لو یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ ہمیں اپنا بنا لو تم خدا رایا رسول اللہ کرو لطف و کرم کا ایک اشارہ یا رسول اللہ 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 ماشاءاللہ ہمارا سید طہٰ صاحب جو ہے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून इनके अंदर, ये सैयद जादे, ये तंगल है, आप लोग तंगल बोलते हैं, हम लोग सैयद जादे बोलते हैं, सैयद साहब बोलते हैं। तो ये पढ़ रहे हैं और आज हालात कैसा है आपके सामने, दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अगर ये पढ़ेंगे हम इनके साथ पढ़ेंगे, इनके जो नाना है हमारे नबी, अगर वो कबूल कर लिए तो हमारा काम हो गया इंशाल्लाह। आज जो हालात है उसको नजर में रखो और फिर या रसूल अल्लाह को इंशाल्लाह। सारे लोग मिलकर पढ़ो, हाथ नहीं उठाओ मुश्किल नहीं, लेकिन दिल से पढ़ो, थोड़ा आंख में आंसू आने दो इंशाल्लाह। ये मुश्किल जो आज है पूरी उम्मत की मुश्किल है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है इंशाल्लाह। हम ये इतनी प्यारी मजलिस, इतने बड़े वली की बारगाह में है, सारे लोगों से गुजारिश करूंगा मिलकर पढ़ो इंशाल्लाह। رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ پکارے ہیں شہرانم کتنی یا رسول परेशानम अगतने या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजा कुन तबीबा चार साजा कुन मरीजे दर्द इसियानम अगतने या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजा कुन तबीबा चार साजा कुन मरीजे اگسنی یا رسول اللہ 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 رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں ہے آپ ہی کا بس سہارا یا رسول اللہ۔ آیا گئے آپ پر سب کچھ، زبان سے کیا کہیں اپنی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ۔ اتا ہو یا رسول
رسول اللہ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇത്രയും സമയം നല്ല മദഹുകൾ നമുക്ക്.